आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर है। अब आप सुषमा सिंह के प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद में भ्रष्टाचार की गुप्त जानकारी देने वालों के संरक्षण से संबंधित विसल ब्लेयर विधेयक को मंजूरी दे दी है। पोर्टब्लेयर के प्रदर्शनी मैदान में आज सप्ताहव्यापी राष्ट्रीय युवा एकता शिविर का शुभारम्भ हुआ और प्रशासन ने हेलीकॉप्टर सेवा में एक और हेलीकॉप्टर शामिल किया है। संसद में भ्रष्टाचार की गुप्त जानकारी देने वालों के संरक्षण से संबंधित विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के तहत एक ऐसी प्रक्रिया स्थापित किए जाने का प्रावधान है जिससे सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के बारे में कोई भी व्यक्ति गुप्त रूप से बिना किसी भय के सूचना दे सकता है। इस विधेयक में झूठी शिकायत करने वालों के लिए दंड का भी प्रावधान है। यह विधेयक राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पारित हो चुका है। केंद्रीय मंत्री वी नारायण स्वामी ने बताया कि इस नए कानून से आरटीआई अधिनियम को और मजबूती हासिल होगी। पोर्टब्लेयर की प्रदर्शनी मैदान में राष्ट्रीय युवा एकता शिविर का आयोजन किया गया है। गांधी पीस फाउंडेशन, नेहरू युवा संगठन और प्रशासन के युवा मामले और खेल विभाग की ओर से आयोजित इस समारोह में 400 से अधिक युवा भाग ले रहे हैं। आज के समारोह में राज्य सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष कुलदीप राय शर्मा मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि युवा शक्ति की एकता ही राष्ट्र को मजबूती प्रदान कर सकती है। इस मौके पर गांधीवादी भाई सुब्बा राव ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं को महात्मा गांधी से शांति और अहिंसा का संदेश जन जन तक पहुँचाने का कार्य जारी रखना चाहिए। कार्यक्रम में श्रीमती पुष्पांजलि राजू, जॉन रॉबर्ट बाकू और लुकस रॉबर्ट ने भी अपने विचार रखे। अंडमान निकोबार प्रशासन के हेलीकॉप्टर सेवा में एक और हेलीकॉप्टर शामिल किया गया है। इससे अब हेली सेवा में हेलीकॉप्टरों की संख्या 4 हो गई है। 24 फरवरी से नया हेलीकॉप्टर अपनी सेवा शुरू कर देगा। नागरिक उड्डयन निदेशालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार अब कैम्बल बे और कमोटा के लिए सोमवार से शनिवार तक रोज हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध रहेगी। कछार के लिए मंगलवार से शनिवार तक और टेरेसा के लिए सोमवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार से शनिवार तक हेलीकॉप्टर सेवा जारी रहेगी। सप्ताह में सोमवार और मंगलवार के दिन चावड़ा द्वीप के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध होगी। इसी प्रकार हजबे, डिगलीपुर, मायाबंदर, रंगत और कार निकोबार के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवाएं बेहतर होंगी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर कल केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में वेशभूषा प्रतियोगिता और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय हिंदी अकादमी की पोर्टब्लेयर इकाई की ओर से आयोजित इस समारोह में 9 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने वेशभूषा प्रतियोगिता में भाग लिया। मुख्य वक्ता के रूप में जाने माने शायर इलियास अहमद खान ने कहा कि मनुष्य को अपनी मातृभाषा से ही पहचान मिलती है। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में लोग अपनी मातृभाषा से दूर होते जा रहे हैं। कार्यक्रम में दूरदर्शन केंद्र पोर्टब्लेयर के सहायक निदेशक के आर बीना मुख्य अतिथि थी। समारोह की अध्यक्षता विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती सी राजू ने की। समारोह में द्वीपसमूह के चित्रकार और रंग कर्मी बांसु कुमार को स्वर्गीय सेवाराम केसिया काव्य सम्मान प्रदान किया गया। उधर आदित्यनाथ अकादमी की ओर से मातृभाषा दिवस के अवसर पर अकादमी परिसर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर चित्रंजन राय मुख्य अतिथि थे। कई वक्ताओं ने मातृभाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में आम मोरी बांग्ला भाषा शीर्षक से संगीत रूपक प्रस्तुत किया गया। आकाशवाणी पोर्टब्लेयर से आज आमने सामने कार्यक्रम में नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष के गणेशन के साथ दुर्गविजय सिंह दीप की बातचीत प्रसारित की जाएगी। इसे आज रात 8:15 से सुना जा सकेगा। अंडमान निकोबार राज्य सहकारी यूनियन की ओर से द्वीप समूह में ग्रामीण महिलाओं को सिलाई और फैशन डिजाइनिंग का प्रशिक्षण दिलाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल वंडूर में सिलाई केंद्र का शुभारंभ हुआ। 42 ग्रामीण महिलाओं ने इस केंद्र में अपना नाम है। कार निकोबार के जॉन रिचर्डसन स्टेडियम में इस महीने की 25 तारीख को आयोजित होने वाली प्रादेशिक सेना भर्ती रैली को प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दिया गया है। नई